हाय फ्रेंड्स, मैं रुचि शुक्ला और आज इस वीडियो में मैं आपको मसाला डोसा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए बॉईल और मैश किए हुए आलू और लाल मिर्च पाउडर, तेल, नमक, बारीक कटे हुए प्याज, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, राई और ये डोसा का बैटर है जिसमें मैंने आधा कप चावल लिया और उसमें एक चौथाई कप उड़द की दाल डाली हुई है। तो डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था और नेक्स्ट डे मैंने इसे मॉर्निंग में पीसा हुआ है फाइन पेस्ट में, और इसमें फिर मैंने 2-3 पिंच बेकिंग पाउडर डाला और सॉल्ट एज पर टेस्ट, और इसको मैंने 4 से 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया। तो हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पैन हीट कर लिया, अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी फिलिंग बनाने के लिए। सबसे पहले तेल हीट हो चुका है, अब इसमें मैं थोड़ा सा राई डालूंगी। राई पक चुकी है, अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। इसे हम थोड़ा सा बस सॉटे करेंगे, इसे पकाएंगे नहीं, जब सॉटे करेंगे थोड़ा सा। और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके सारे मसाले ऐड करूंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, गरम मसाला, सॉल्ट एज पर टेस्ट और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने टेस्ट पर डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे सब, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला रेडी हो चुका है, गैस ऑफ कर देंगे हम और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसा तवा हीट हो रहा है, हम गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। थोड़ा हीट हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी बस, और इसे कपड़े से अच्छे से। अब इसमें मैं बैटर डालूंगी। बैटर आप ध्यान दीजिए, ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इस तरह से। दो बड़े चम्मच डालेंगे, इसे हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम थोड़ा साइड में भी तेल डाल देंगे और ऊपर भी, और जब ये थोड़ा सा हम गैस का फ्लेम बढ़ा, जब ये नीचे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगा तब हम इसमें मसाला डालेंगे। अब इसने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया नीचे से, मैंने इसे थोड़ा लंबे से रोल में बना दिया था। इसे थोड़ा प्रेस करूंगी इस तरह से, और डोसा रेडी हो चुका है साइड से और इस तरह से, और इसे निकाल लेंगे बाहर। सो फ्रेंड्स, डोसा रेडी हो चुका है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल गो फूडी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका सपोर्ट इसी तरह मुझे देते रहिए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त नीड में है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।